राजनीतिक पार्टियों के पास प्रचार के लिए कहां से आता है पैसा, जाने क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनावी मौसम आता है तो सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार प्रचार में जुट जाती हैं। हालात ये हो जाते हैं कि पार्टियों के बैनर और पोस्टरों से सड़कें और गली मोहल्ले पट जाते हैं, घर में पार्टियों के झंडे लहराने लगते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से आता है। दरअसल इसे लेकर द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। खबर में बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को प्रचार प्रसार के खर्च के लिए व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाओं से फंडिंग मिलती है। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 5 शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में बेचा गया है। यानी देश की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं 5 शहरों से हुई है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल बिक्री का सिर्फ 2% हिस्सा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेचा गया है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये जानते हैं कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2018 के 29 जनवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया गया था। दरअसल ये एक वचन पत्र होता है जिसे किसी भी राज्य, शहर के व्यक्ति या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना ये बॉन्ड डोनेट कर सकते हैं। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को डिजिटल या चेक के रूप में खरीदा जाता है। ये बॉन्ड बैंकों के नोटों के समान होते हैं जो मांग पर वाहक को देने होते हैं। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ये बॉन्ड 1,000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे 1,000, 10,000, 1,00,000 और 1,00,000 की रेंज में हो सकते हैं। ये बॉन्ड आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं पर मिल जाते हैं। कोई भी डोनर इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में वो इस बॉन्ड को किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान में दे देते हैं। इसके बाद रिसीवर पार्टी इस बॉन्ड को SBI की शाखा में इसे कैश में भुना सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए मान्य रहता है। क्यों जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया में सुधार करने और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2018 को मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं, यानी एक साल में 4 बार जारी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस बॉन्ड की खूबी यह है कि कोई भी डोनर अपनी पहचान को जगजाहिर किए बिना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,00,000 रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और अपनी पसंद की पार्टी को चंदे के रूप में दे सकता है। इस व्यवस्था के तहत दानकर्ताओं की पहचान छुपी रहती है और इससे टैक्स भी छूट प्राप्त है। इस बॉन्ड से आम चुनाव में 1% हासिल करने वाले राजनीतिक पार्टी को ही चंदा हासिल हो सकता है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत इसी दावे के साथ की गई थी कि इस प्रक्रिया के बाद से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया था। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना यही होती रही है कि ये योजना मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है। बॉन्ड की आलोचना करने वालों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड की गुमनामी केवल व्यापक जनता और विपक्षी दलों तक सीमित होती है, क्योंकि इस तरह के बॉन्ड सरकारी बैंक, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचे जाते हैं। ऐसे में आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से ये जान सकती है कि विपक्षी दलों को कौन डोनेशन दे रहा है। खबरों की माने तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 मई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से देश में 12,979.10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। पिछले महीने यानी अप्रैल 2023 में हुई बिक्री की सबसे हालिया 26वीं किश्त
राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड में 12,955.26 करोड़ रुपए भुनाए गए थे। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस द्वारा की गई आरटीआई आवेदन के जवाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत इन बॉन्डों को भुनाने के लिए बैंक खाते खोले हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का 26.16% हिस्सा मुंबई में है, वहीं 2,704.62 करोड़ रुपए यानी 20.84% हिस्सा कोलकाता में है। हैदराबाद में चुनावी बॉन्ड का 18.64% हिस्सा यानी कुल 2,418.81 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं। नई दिल्ली में 1,847 करोड़ रुपए यानी 14.23% और चेन्नई में 1,253.20 करोड़ रुपए यानी 9.66% के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 266.90 करोड़ यानी 2.6% की बिक्री के साथ सातवें स्थान पर थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के आंकड़ों से साफ पता चलता रहता है कि देश के अलग अलग पार्टियों का पैसा मुख्य रूप से 5 बड़े शहरों से बेचा गया है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक भुनाए गए बॉन्ड की कुल राशि में से 64.55% यानी 8,362.84 करोड़ रुपए नई दिल्ली में भुनाए गए, जहां राष्ट्रीय दलों के खाते होने की संभावना है। दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर हैदराबाद, यहां 12.37 यानी 1,602.19 करोड़ रुपए भुनाए गए हैं। वहीं कोलकाता 10.1% यानी 1,297.44 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर है भुवनेश्वर, यहां 5.96% यानी 771.50 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए गए हैं और चेन्नई में 5.11% यानी 662.55 करोड़ रुपए भुनाए गए हैं। मुंबई में इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल बिक्री का 26% से ज्यादा हिस्सा था, लेकिन सभी चुनावी बॉन्डों का केवल 1.51% हिस्सा ही भुनाया गया है। अब इसी चुनावी बॉन्ड को लेकर कई बार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर होती रही है। आलोचकों का कहना है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचाने वाला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। एडीआर का तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से कॉर्पोरेट और उद्योग जगत को जमकर फायदा हो रहा है और ऐसे बॉन्ड से मिले चंदे का 95% हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है, और इस बात को चुनाव आयोग ने भी स्वीकारा था कि चुनावी बॉन्ड से साल 2018 और 17 में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही चंदा मिला है। बीजेपी को जहां 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहीं बाकी सारे दल भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे। जिसके बाद साल 2019 में आरटीआई से यह खुलासा हुआ था कि रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर सरकार को चेताया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि इस तरह के साधन जारी करने वाले अथॉरिटी को प्रभाव में लिया जा सकता है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता नहीं रखी जा सकती। रिजर्व बैंक के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कमजोर करेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।